का ये मंदिर हजारों साल पुराना है। मुझे तो ये बिल्कुल नया सा लगता है। जमीन से 800 मीटर ऊंचा 500 साल बाद फिर इस मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। ये है गुजरात का पावागढ़ मंदिर। वडोदरा से 46 किलोमीटर की दूरी पर पावागढ़ एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो सी लेवल से 800 मीटर की ऊंचाई पर है। ये पहाड़ी इलाका फेमस है ऐतिहासिक महाकाली मंदिर के लिए, जिसके दर्शन करने हजारों लोग आते हैं। द प्लेस ऑल्सो हैज एन आर्कियोलॉजिकल पार्क व्हिच हैज बीन मार्क्ड बाय यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पावागढ़ का ये मंदिर 10वीं या 11वीं सदी पुराना मंदिर है। 15 सेंचुरी में इस मंदिर का शिखर तोड़ दिया गया था और इसी वजह से यहाँ 500 सालों तक ध्वजा नहीं लहरा पाई। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस मंदिर को संवारा और 500 साल बाद इस काली माता मंदिर पे फिर से ध्वजा फहराई। तो जैसे मैंने बताया, पावागढ़ इज एक्चुअली अ हिल स्टेशन और यहाँ का बेस विलेज है शापनेर, जहाँ आज भी लोग रहते हैं। इट्स एक्चुअली एन आर्कियोलॉजिकल साइट। वहां से ऊपर जाने के लिए इज अ 5 किलोमीटर्स ड्राइव और यहाँ पर अगर आप एक टाइम तक ना पहुंचे तो ऊपर पार्किंग फुल हो जाती है और आपको एक टैक्सी में आना पड़ता है, विच इज ओनली 30 रुपीज पर पर्सन। बहुत सारे लोग यहाँ शेयर टैक्सी में आते हैं, समटाइम्स इवन 15 to 20 पीपल इन वन टैक्सी, विच इज अ ह्यूज सुमो जीप। पावागढ़ मंदिर एक्चुअली एक क्लिफ पर लोकेटेड है, सराउंडेड बाय अ घना जंगल। टिल सम पॉइंट गाड़ी आ सकती है, पर उसके बाद आपको केबल कार लेनी होगी और उसके बाद भी 300 सीढ़ियां चढ़नी है। वेरी वेरी एक्साइटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं पावागढ़ मंदिर की ओर अपना सफर। कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई यू गॉट टू क्लाइंब 300 स्टेप्स टू गेट टू द टॉप वेयर द पावागढ़ टेम्पल इज। यहाँ चढ़ते चढ़ते आपको रास्ते में कई सारे छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। वाओ, मेहनत का फल जरूर मीठा है। कौन कहेगा कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है, बिकॉज एज आई लुक एट इट राइट इन फ्रंट ऑफ मी बिल्कुल नए जैसा लगता है। दिस इज पावागढ़ टेम्पल इन गुजरात। हिस्ट्री, पावागढ़ में कई सारे मस्जिद और मंदिर हैं, पर अगर कोई ऐसा मंदिर हो जो